झारखंड अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। पल पल की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। कई व्यूअर ने कहा था कि झारखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, रघुवर दास ही होंगे या भारतीय जनता पार्टी से कोई नया नाम सामने आएगा, या फिर बाबूलाल मरांडी के आसार बने हैं, या हेमंत सोरेन बनेंगे, या कांग्रेस से कोई चेहरा आएगा, डॉक्टर अजय कुमार या फिर कोई आदिवासी चेहरा। इसको लेकर बहुत पसोपेश है और इसे लेकर जोर तोड़ चल रहा है। इसके पहले हमने जो वीडियो भेजा था उसको बड़ी संख्या में आपने लाइक शेयर और कमेंट किया है और हम आपके लिए इसके लिए थैंक्स बोलेंगे आपको। इस बार भी हमारा जो विश्लेषण होगा वो प्रत्येक पार्टी के बायसनेस से अलग होगा। हम आपको सटीक बताएंगे कि झारखंड में क्या होने वाला है आगामी कुछ महीने के अंदर। बीजेपी से रघुवर दास ही चेहरा होंगे, ये इस समय इसे बदलने पर बीजेपी ने कोई भी बातचीत नहीं किया। हालांकि बीजेपी के अंदर एक अलग सुगबुगाहट थी और ये उम्मीद किया जा रहा था कि कोई भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी चेहरा सामने आ सकता है जो इसकी वजह से होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी रघुवर दास के काम से खुश है। रघुवर दास जिस प्रकार से लोगों के बीच जा रहे हैं और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगातार बैठक कर रहे हैं, इससे बीजेपी का आलाकमान को भरोसा है कि रघुवर दास नैया पार करवा देंगे। साथ ही साथ रघुवर दास के रहने से बीजेपी को भरोसा है कि फॉरवर्ड ओबीसी और एसटी का भी वोट बैंक उन्हें मिल जाएगा। हम आपको ये बताएंगे कि इसके लिए जो गणित क्या बैठाई गई, लेकिन दूसरी ओर जो महागठबंधन है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि हेमंत सोरेन के नाम पर अगर सहमति बन जाती है तो झारखंड विकास मोर्चा का क्या होगा। जेवीएम से बाबूलाल मरांडी बीजेपी को छोड़ने के बाद अब तक उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए हैं जो वो चाह रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी से 8 विधायक चुनाव जीते थे, इसमें से 6 चुनाव जीतने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, सिर्फ 2 ही उनके पास एमएलए बचा है। कांग्रेस के पास इस प्रकार का कोई कद्दावर नेता नजर नहीं आता है जिसके नाम पर सहमति बन जाए और सारी पार्टियां उनके नाम पर सहमति दिखाए। आरजेडी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये उठ करके आ रहा है कि या तो जेएमएम से हेमंत सोरेन का नाम महागठबंधन आगे कर दे, या फिर बीजेपी के जो बाबूलाल मरांडी थे उन्हें या तो जेएमएम अपने पास शामिल कर ले, या बीजेपी घर वापसी कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी को ही अपनी ओर मिला ले। चुनाव के वक्त कुछ भी हो सकता है और इसमें बाबूलाल मरांडी की भूमिका क्या होगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन महागठबंधन में कई पेच सामने आ रहा है जिसे लेकर लगता है कि इतना सब कुछ आसान नहीं होगा। जेएमएम चाहती है कि वह 14 सीट जो है लोकसभा का उस पर ज्यादा सीट वह छोड़ना चाहती है। अगर वह छोड़ देगी तो उसकी रणनीति है कि विधानसभा का ज्यादा सीट उसे मिल जाए, और विधानसभा का जब ज्यादा सीट उसे मिल जाएगा महागठबंधन चुनाव जीत जाएगी, इसके बाद जेएमएम उनके साथ ही खड़ा रहेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा और इसे लेकर सभी पार्टियां बहुत पसोपेश में है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस और जेवीएम के साथ खड़ा होगा या फिर स्वयं के बुनियाद पर आगे बढ़ जाए। हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक विधानसभा में मैक्सिमम सीट इस समय में जेएमएम चाह रही है, कम से कम उसे उम्मीद है कि 40 से 45 सीट दिया जाएगा उसे, इसी कंडीशन में लिखित एग्रीमेंट वो करने को तैयार है। जेवीएम की दुविधा है कि अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो बाबूलाल मरांडी का योगदान क्या होगा, क्या वो डिप्टी सीएम से मान जाएंगे या फिर उन्हें कोई दूसरा पद दिया जा सकता है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी में अगर शामिल हो जाएंगे तो उनके लिए केंद्रीय स्तर पर कोई बड़ी भूमिका सौंपी जा सकती है। ये सारे कुछ फिलहाल एक अटकल है। हम आपको ये बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्षधर है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश स्तर के लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में काम कर रहे हैं उनके साथ दिक्कत होगा कि उनकी
जो राजनीति है उनका क्या होगा? अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सारे लोग काम करना शुरू कर देंगे तो उनकी अपनी राजनीति का क्या होगा? और एक जो अविश्वास सामने आ रहा है कि इसको लेकर के कि कैसे जेएमएम के साथ लंबा समय तक रहने के लिए संभव है या नहीं। एक और खबर है कि जो बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष हैं और पश्चिमी सिंहभूम के सांसद लक्ष्मण किलुआ जी, उन्होंने कहा है कि 29,500 29,500 बूथ है और इस बूथ में से बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसके पास 26,000 बूथ में 15-15 मेंबर की टीम है जिसमें SC ST से लोग हैं, महिला विंग से हैं, OBC से हैं, हर जातीय समीकरण से हैं, ये किसी दूसरी पार्टी में नहीं है। तो ये सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो रणनीतिकार है वो इतने स्ट्रांग है कि वो बुनियादी स्तर पर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर इन दिनों रघुवर दास ने अपना एक कैंपेन चला रखा है कि रूरल एरिया में, जैसे अपने बिरसा नगर में उन्होंने खादी ग्रामोद्योग का विकास के लिए उन्होंने के लिए सेमिनार करवाया और उसका उद्घाटन भी किया। अलग अलग क्षेत्र में वो जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो एक कोशिश है लोगों की नब्ज जानने की। और साथ ही साथ बीजेपी के अंदर जो दूसरा विंग है जनजातीय मोर्चा का, तो वहां पर भी एक सटीक रणनीति बनाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीम में लाया जाए और जो लोग अंदर ही अंदर भीतरघात के संकेत दे रहे हैं उन्हें टिकट देने के दौर में ही साइड कर दिया जाए। बीजेपी के अंदर की यही रणनीति चल रही है कि जो दूसरे खेमा के लोग हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लाया जाए। 30% जो फार्मूला छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी अपना रही है कि 30% सिटिंग MLA को हटा दिया जाएगा, तो तकरीबन झारखंड में भी यही फार्मूला आने वाला है कि इस समय बीजेपी के जितने विधायक होंगे उसमें से तकरीबन 15-16 विधायक जो होंगे उन्हें ऐसे भी बदला जाएगा, वहां पर उस क्षेत्र के नए विधायक को चांस दिया जाएगा कि जो लोग पिछली चुनाव में ज्यादा वोट लाकर भी दूसरे नंबर पर रह गए थे। तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि वो किसी भी हालत में जहां जहां पर सिटिंग गवर्नमेंट उठी है उसे वो नहीं अपने हाथ से जाने दे। लेकिन UPA गठबंधन अगर अपने पर्सनल स्वार्थ को सारी पार्टियां अगर त्याग कर फाइट करे स्ट्रांगनेस के साथ में, भीतरघात नहीं हो, तभी बीजेपी को बड़ी चुनौती दी जा सकती है जो इस समय में संकेत आ रहा है हम तक। और हमारे साथ आप ऐसे ही नई खबर और नया विश्लेषण सुनते रहिएगा जो आपके काम का होगा और जो हमारे टीम जो तैयार करती है विश्लेषण, पिछले चुनाव में भी बहुत हद तक उसके अनुरूप ही सारा कुछ हुआ था और इस बार भी हमें उम्मीद है कि इसके अनुरूप भी सारा कुछ होगा। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।